हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद वैद के साथ तमाम व्यूअर्स को मेरा अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशंस, न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये स्ट्रीट फूड बहुत ही मज़ेदार भील पूरी और चना चाट दही बड़ों की चाट थी, जो कि स्ट्रीट स्टाइल है। तो ये ऑर्डर की थी जस्ट, तो ये ली, तो इसको पार्सल लिया था। पार्सल लेके घर पर ये जो है, ये सामान कुछ रस्ते से बाय किया, जिसमें था अमरूद और कुछ वेजिटेबल्स थे, जिसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, जिंजर, गार्लिक और टोमेटोस फ्रेश, और गाजर और शिमला मिर्च और चुकंदर, और साथ में तिल के जो है वो लड्डू थे, और चने की चिक्की थी, और जो सर्दियों के विंटर्स की चीज़ें होती हैं, खजूर वगैरह, और फ्रेश भिंडी थी, पालक थी, और ये साथ में मैंने लिया था टिन पैक जो है वो सरसों का साग, जिसे हम मस्टर्ड साग भी कहते हैं ना, मस्टर्ड के जो पत्ते होते हैं उसका जो साग होता है ये वो है। तो ये टिन पैक होता है, इसको जस्ट जो है वो एक मज़ेदार सा तड़का भगार लगाना होता है, तो ये बहुत मज़ेदार सा साग होता है टिन के अंदर। अब मैं बना रही थी एक अंडा, लेफ्ट ओवर कीमा था, और साथ में उसके साथ जो है वो एक अदर टमाटर लिया, हरी मिर्ची ली, और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला उसके अंदर पैन में। अब इसको अच्छी तरह से सॉटे किया, और उसमें एक अदर अंडा डाल के मैंने ये बहुत चटपटा मज़ेदार सा जो है वो एक एग फ्राई कर लिया था। साथ में इसके साथ मैंने पराठा और रोटी तैयार कर ली थी। तो ये था मेरा जो है वो ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट जो है वो मैंने अर्ली मॉर्निंग बनाया था, तो ये भी मैंने इसमें अपने व्लॉग में ऐड कर लिया था। साथ ही मेरी रोटी बन रही है और साथ ही पराठा। तो ये सुबह का ब्रेकफास्ट था, तकरीबन सुबह के 10 बजे मैंने अपना ब्रेकफास्ट डन किया। साथ ही मैंने फिर तैयार की लंच में फ्रूट सैलड। तो फ्रूट क्रीम फ्रूट चाट की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, इसके अंदर मैंने शामिल किया था 2 अदद आड़ू, 2-4 अदद आलू बुखारे, और साथ में जो है वो 1 बड़े साइज़ का एप्पल और अंगूर का गुच्छा, और साथ में जो है वो हमारे बनाना था, 5 से 6 अदद बनाना लिए, 1 अदद फुल क्रीम का पैकेट लिया, फ्रेश क्रीम ऑलपर्स का। तो इसे मैंने चीनी डालकर अच्छी तरह से मिक्स वेल कर लिया था, और 1 अदद पूरा ऑलपर्स क्रीम का शामिल कर दिया था। फ्रूट्स की कटिंग कर ली थी। साथ ही ये मौसम्बी का मौसम है, तो मौसम्बी के ऑरेंज के बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, इसमें वाफर मकदार में वाइटामिन सी पाया जाता है। तो इसका जो एक रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक बनाया, इससे पहले मैं इस तरह की ड्रिंक्स की रेसिपीज शेयर कर चुकी हूँ। फिर किसी काम से बाहर जाना था, तो ये रास्ते का व्यू है, तो ये ऑटो व्लॉग है। ऑटो में जो है वो कहीं जा रहे थे, कुछ ज़रूरत का सामान लेना था, तो ये रास्ते में जो जितना मैं क्लिप्स ऐड कर सकी वो मैंने वहाँ से लिया। फिर जो ज़रूरत का सामान था वो लेने के बाद वापस घर में आए। तकरीबन शाम के 5 से 5:30 बजे का टाइम था, तो बस जल्दी जल्दी जो ज़रूरत का सामान था आधे से पौन घंटे में वो बाय किया, उसके बाद वापस घर की तरफ आए। और घर आकर मैंने तो बनाई एक कप कड़क चाय, तो कड़क चाय का अपना ही मज़ा है, क्योंकि शाम का वक्त था और चाय का वक्त हो गया था। तो ये मेरी गर्मा गर्म सी एक कप चाय है, जिसको मैंने इसमें ऐड कर लिया था। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।